हाय गाइस, मैं रेक्सा। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्मोक तंदूरी प्रॉन्स बनाने वाला हूँ, दुआ तंदूरी प्रॉन्स। सो गाइस, आज गटारी है तो ऑफकोर्स कल से श्रावण लग जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाएंगे अभी एक महीने के लिए। और ये देखो, ये मुझे शूट करने नहीं दे रहा है इसलिए मैंने इसको ले लिया। वो नीचे से दूसरा डॉग भी काट रहा है। सो गाइस, मैं आज स्मोक तंदूरी प्रॉन्स बनाने वाला हूँ। मुझे अभी बाजार जाके प्रॉन्स लाना है, कल से श्रावण लगने वाला है, मैं एक महीने से बिल्कुल फिर फ्रेश नहीं खाऊंगा। तो आज जितना मन करे मैं आज सारा नॉनवेज खा लेने वाला हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक दिस रेसिपी। इट्स 27 जुलाई 2022। चलो फिर फिश मार्केट जाके मच्छी खरीदते हैं। हाय, वो प्रॉन्स कसे दिले? मी मोटे प्रॉन्स निवडून घेतले काकी कडनं। हे बघा काकी, तुम्हाला हाय बोलायचं कॅमेरा मध्ये। मेरा प्रॉन्स लेके हो चुका है, आई एम रियली एक्साइटेड बनाने के लिए। मुझे और एक फिश लेना है, तो आई गेस आई हैड टू लालबाग नाउ। अभी मैं मेरी फेवरेट मौसी के पास जाने वाला हूँ, जिनके पास से मैं लालबाग में मौसी फिश लेता हूँ। तो अगर आप इधर आएंगे तो आप भी उनसे जरूर ले। हाय करा माझ्या कॅमेरा मध्ये। हाय, हे बघा गाइस, मी ह्या मावशीकडे ना लालबागला आलो, तर ह्यांच्याकडनं मी घेतो मच्छी। स्टॉक बघा मावशीकडे किती आहे। कसे गटारी कशी होते मग तुमची? नाही, जोरात जोरात या, नक्की नक्की। बघा थोडेसे बोंबील पण घेतले, द्या द्या द्या, काय नाही। वाव, हे बघा किती मस्त आहे सुरमई। हे बघा किती मोठी आहे सुरमई। कितीला आहे ही वाली? 15,000। बापरे, 15 किलोची सुरमई। बघा गाबली पण आहे, बघा सुरमई मध्ये सुरमई पण आहे, पापलेट पण आहे इथे। फ्रेंड लोक पण सांगतात त्याचा फोटो आहे। आज एक्चुअली बाजार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आज लोग गटारी सेलिब्रेट करेंगे तो एक महीने तक फिर कोई फिश खाएगा नहीं। सो कैन यू सी, या इथे पापलेट पण आहे गाइस। हे बघा पापलेट दाखवतो तुम्हाला बाई। हे बघा पापलेट किती मोठा आहे गाइस। ओ माय गॉड, सी दुआ तंदूरी प्रॉन्स कैसे बनाते हैं उससे लगने के लिए सामग्री देखिए। मैंने दही लिया है, आला लहसुन का पेस्ट लिया है गाइस। मसाले में देखिए, तंदूरी मसाला है, हल्दी है, नमक स्वाद अनुसार, और सीक्रेट कोली मसाला है। कोयला भी लगेगा गाइस, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला, बिकॉज हम स्मोक देंगे कोल का। ये गार्लिक मैंने एकदम बारीक काट के रखा है, और हमें ये स्क्यूअर्स लगेगा गाइस, ठीक है। ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा, और इससे हम प्रॉन्स में घुसाएंगे, ठीक है, स्क्यूअर्स। देखो अभी ये प्रॉन्स को मैं साफ करके दिखा रहा हूँ गाइस। सबसे पहले इसकी मुंडी हम इसे तोड़ देंगे, ओके, एंड देन ये शेल हम निकाल देंगे पूरी तरह। मैं एक्चुअली ये नीचे का पोर्शन रखने वाला हूँ। ये देखो इसकी जो पूंछ के यहाँ पे ये पोर्शन है पॉइंटी, इसको हम तोड़ देंगे। इसे दिया, पूरा शेल नहीं निकालना है, थोड़ा सा इसको नीचे से हल्का सा तोड़ के राउंड करके, और ये नीचे से थोड़ा रखना है, ओके। और यहाँ से हम इसमें अभी सीक डालेंगे, ये भी अच्छे से निकाल दो सारा। तो ये कुछ ऐसे क्लीन होना चाहिए, देखो। फिर मैं मेरी नेल की मदद से हम अंदर का सारा थ्रेड निकाल देंगे। देखो ये जो थ्रेड है ये इसे निकाल के ये पूरी तरह प्रॉन क्लीन हो जाएगा, और इसे एक बार पानी में धो देना। मेरी तरीके से मैं बताता हूँ, ये देखो मैं इसे पूरा अक्खा ही रखता हूँ। ये प्रॉन्स को मुझे ऐसे ही बड़ा पूरा पसंद आता है। मैं आगे से थोड़ी सी मुंडी काट लेता हूँ, और ये नीचे से जो जो भी है इसके पैर वैर काट लो। इसका मैं ऊपर से शेल निकाल दूंगा थोड़ा सा, ताकि मैं उसमें से स्टिक घुसा सकूं, और ये मैं ऐसे ही पूरा रखूंगा। मुझे ये प्रॉन्स का जो आगे का है मुझे शक्कर में बहुत अच्छा लगता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग ऐसे ही खाना, इट्स योर पर्सनल चॉइस। ऑलराइट, ये दही को आला लहसुन की पेस्ट को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे गाइस, ठीक है। और ये सारे मसालों को भी आपस में हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सारे मसाले इसमें मैं डाल लूंगा, और इसे एक अच्छी हम अच्छे से हम मिक्स करके पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट को नीचे लाऊंगा, और इसका एक अच्छा पेस्ट बनाएंगे हम। पेस्ट बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसको आप हल्का सा चख के देखना, अगर आपको तीखा नमक कम ज्यादा जैसा भी लगेगा आप ऐड ऑन कर सकते हो। अभी सारे प्रॉन्स को हम इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब अच्छे से प्रॉन्स को इस पे मिक्स कर देना है गाइस। प्रॉन्स को मैंने अच्छी तरह मसाला लगा दिया, अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में। स्क्यूअर्स ले लेंगे गाइस, और इसको मैं प्रॉन्स के अंदर घुसाने वाला हूँ। ये देखो ऐसा घुसा घुसा के ऐसे, और इसको सीधे करते जाना है, ठीक है। बीच से भी ये बाहर आ सकता है, बट थोड़ा प्रॉन्स के डायरेक्शन में घुसाना। और टेल की शेल रखी हमने, इसे ब्रेक नहीं करना है। तो उसके बाद आगे हल्का सा पुश करके कुछ इस तरह, ये देखो अब ये वाला जैसा है जो मैंने फुल साइज रखा है, इसको भी मैं क्या करूंगा मुंडी की तरफ से इसके अंदर घुसाऊंगा।
बी केयरफुल, हाँ आपके हाथ में भी घुस सकता है तो बहुत केयरफुली ये करना, कंसिडरिंग इसमें मसाला है तो ये स्लिपरी होता है। और फिर इसे हम तेल में फ्राई करेंगे, ये देखो ऐसे, तो ये ऐसे तेल में हम फ्राई करेंगे इसे। सारे प्रॉन्स को अच्छी तरह स्क्यूअर्स में लगा दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे, तवे में तेल डाल दूंगा। प्रॉन्स जो है वो भी बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुके हैं, ये देखो स्क्यूअर्स में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये प्रोसेस टोटली ऑप्शनल है, मुझे गार्लिक का एसेंस बहुत पसंद है फिश के साथ, तो मैं अभी तेल में गार्लिक का तड़का दूंगा, ये देखो, और इसे हम थोड़ा सा हिला देंगे और इसे लो फ्लेम में करना है गाइस, ठीक है। और देखो देखो कैसे उड़ रहा है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हमारी जो प्रॉन्स है हम इसे रख देंगे प्रॉन्स को, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सारी प्रॉन्स को इसमें रख देना है गाइस, कुछ इस तरह। वाओ बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, आवाज भी कितनी प्यारी आ रही है, देखो ऐसे प्रॉन्स को एकदम हम रख देंगे। धीरे धीरे करके प्रॉन्स भर रहा हूं मैं, आई थिंक और एक आ ही जाएगा। या गाइस इसे हम ना मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे 2 मिनट्स के लिए, ज्यादा नहीं पकाएंगे, तुरंत पक जाएगा, ठीक है। 2 मिनट्स ऐसे फ्राई करेंगे फिर पलट देंगे इसे। सो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे टर्न करेंगे, ये देखो आराम से करना है, बी केयरफुल क्योंकि तेल है ना। आराम से स्क्यूअर को पकड़ के ऐसे से हम रोटेट कर देंगे और इसे अब और हम 2 मिनट्स फ्राई करेंगे। सभी को कर देना है, ओके, बी केयरफुल, हाथ मत जला देना। देखो हल्का हल्का काला भी हो गया है, वाओ। अब इसे 2 मिनट और फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। आप देख सकते हैं गाइस प्रॉन्स अच्छे से क्रिस्पी और ब्लैक भी हो गए। अब मैं ना गैस बंद कर दूंगा, ठीक है, और अब हम इसे कोल का स्मोक देंगे, तो अब हम बाजू में कोल जलाएंगे। आप सभी लोगों को एक छोटी कटोरी की जरूरत पड़ेगी और अब हम कोल को जलाएंगे, ठीक है। तो देखो ये गैस के ऊपर मैं इसे रख रहा हूँ और कोल को मैं जलाऊंगा। कोयले को अच्छे से लाल करना है, जला के स्मोक देना है कोयले का, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे प्रॉन्स को ऐसे। कोल मैंने अब इसमें कटोरी में डाल दिया है, छोटी वाली, गैस में ऑफ कर रहा हूँ और हल्का सा मैं अभी तेल डालूंगा इसमें, घी भी डाल सकते हैं आप। और ये देखो अब ये जो धुआं आ रहा है इसको तुरंत हमने यहाँ पे रखना है और ये पूरे तवे को मैं ढक दूं। वाव देखो कितना मस्त धुआं चढ़ रहा है प्रॉन्स को, कांट वेट टू टेस्ट इट। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे खोलूंगा। धुआं तंदूरी प्रॉन्स गाइस रेडी है। चलो इसे थोड़ा सा बटर से कोट कर देंगे, मुझे बटर भी बहुत पसंद है। वाह मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ अभी। सो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए गाइस। अब तो श्रावण लगने वाला है कल से, बट श्रावण के बाद बहुत बहुत प्यारे प्यारे त्यौहार आएंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फेस्टिवल्स के, क्योंकि कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम हम इतने अच्छे से सभी चीजें को सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो मैं अभी इसे चख के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ज़ारा कैन यू लाइक स्टॉप, superb guys, please let me know in the comments what you guys think about it. Follow me for more such recipes and a very happy Shravan to everyone. May this prosperous month bring loads of happiness in your life. I can't wait to come back and share more recipes. Thank you so much, have a very nice day, bye guys. Rexha.